आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा शहर में लंबे समय से बाइक चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई यह गैंग नाबालिगों की बताई जा रही है, जिनके द्वारा वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी होना बताई जा रही है। दरअसल मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शहर में बाइक चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना पोखरी टोला निवासी फिरोज मंसूरी बताया जा रहा है, जिसके द्वारा नाबालिगों की गैंग तैयार कर चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी सरगना नाबालिगों को नशे का लालच देकर उनसे अपराध कराता था। इधर पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले शुभम निवासी ललपा को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये पिछले 1.5 माह से शहर में मोबाइल छीनने की बहुत सारी घटनाएं एवं मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर घटित हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि घटनाओं को सख्ती से रोका जाए और इनके अपराधियों को तत्काल धरपकड़ की जाए। इस संबंध में मुख्य तंत्र विकसित किए गए और इसी आधार पे जे मोहम्मद फिरोज मंसूरी, जो पोखरी टोला समान क्षेत्र का रहने वाला है, ये सबसे पहले शंका के दायरे में आया। इसको पकड़ के पूछताछ की गई तो इसने 8 घटनाओं के बारे में शहर में जो इसने किया था, 3 मोटरसाइकिल चोरी और 4 मोबाइल छीनने एवं 1 पर्स छीनने की घटनाओं को स्वीकार किया। इसके साथ में 5 अन्य बाल अपचारी के विरुद्ध बालक भी हैं, जो 17-18 साल के लड़के हैं, ये इनके साथ में मिलकर ये गैंग लीड कर रहा था और इस तरह से इसने शहर में तकरीबन 8 घटनाओं को घटित किया है। इसमें 3 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं और 4 मोबाइल, जैसे आप देख रहे हैं, बरामद हुए हैं और इसके अलावा 1 पर्स जो रुपये छीनने की घटना घटित हुई थी, उसका भी खुलासा हुआ है। और अन्य अपराधों के भी संबंध में जो अनडिटेक्ट प्रॉपर्टी क्राइम्स है शहर के, उनके बारे में भी बारीकी से एक टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। स्कूल है, हॉस्पिटल चौराहा है, शिल्पी प्लाजा है और अमैया रोड पे है, ये इस तरह से, और आपका ITI कॉलेज है जो आपका स्टेडियम के पास, वहाँ की भी घटना को करना स्वीकार किया है।